पगारे बुढ़ापे में अकल काम नहीं करती, आदा और जवारे काम नहीं करते हैं। आप समझे कि नहीं, आप दवा खिलाना चाहते हैं वो खाना नहीं चाहते, ऑन फॉल बोलने लगते हैं। तो परवरदिगार क्या कह रहा, खबरदार उफ भी ना करना, इनके लिए उफ भी ना करना। इमाम जाबिर सादिक अलैहि सलाम से पूछा, मौला ये उफ क्या चीज है, उफ क्या है? मौला ने फरमाया, तुम साफ शफाफ लिबास पहने हुए हो और उस पर गर्द आ गया है, अगर उस गर्द को किसी चीज से साफ करोगे तो फैल जाएगी, ऐब नजर आएगा। कहा कि तुम उसको सिर्फ एक तरीका है, फूंक मार के उसको अलग कर दो, जब फूंक मारोगे तो गर्द हट जाएगी। कहा जब फूंक मारते हो तो एक आवाज निकलती है, उफ, ये वो गर्द साफ होती है। ये भी आप उन बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं कह सकते। फरमाया, अगर इसके अलावा कोई और लफ्ज होता तो परवरदिगार कुरान में वो इस्तेमाल करता। ये उफ भी अल्लाह को माँ बाप के बारे में पसंद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, खुश नसीब है वो औलाद जिनके पास माँ बाप रहते हैं। अल्लाह कहता है कि वो घर मेरा घर है जहां बूढ़े माँ बाप रहते हैं, और अल्लाह की रहमतें बरकतें उस घर के ऊपर नाजिल होती हैं जहां बूढ़े माँ बाप रहते हैं। हमारे आइम्मा ने नसीहत की है, वसीयत की है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो। हुजूर फरमाते हैं, किसी अमल के अंदर, किसी इबादत में रिज्क की खैर बरकत नहीं है जो वालिदैन की खिदमत करने में है। ला तादाद तारीख में, कशफुल अंबिया में आपको वाकयात मिलेंगे। जैसा देखा है आपने, बहुत से लोग अपने आलिम से आकर के पूछते हैं, किबला खैर बरकत नहीं है, रात दिन काम करते हैं, कितना 7 days a week जो है वो काम करते हैं, मगर माल में खैर बरकत नहीं होती, क्या करें? कोई वजीफा बता दे, कोई तावील बता दे, कोई अमल बता दे, कोई नमाज बता दे जी। अगर दुनियादार मौलवी होगा तो कोई ना कोई तावील लिख के आपको दे देगा, माल ले लेगा। हमारे हुजूर आइम्मा ने कोई दुआ कुछ नहीं बताया। सबसे पहला सवाल हुजूर फरमाते हैं, ये बताओ तुम्हारे वालिदैन ताल्लुकात कैसे? कोई ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना जकात, ना सदका, कुछ नहीं। पहला सवाल हुजूर का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि तुम्हारा तुम्हारे वालिदैन से रिश्ता कैसा है, ताल्लुकात कैसे हैं? और आने वाले ने अगर ये कहा कि या रसूल अल्लाह, एक जमाना हो गया देखे, तो हुजूर फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने मुझे मबूस बर रिसालत किया है, कोई अमल, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है, जो इशारा कर दे तो संग्रेजे जो है वो हीरे जवाहरात में बदल जाए। वो कहता है, अल्लाह की कसम खा करके जिसने नबी बनाया है, तुम्हारे रिज्क के दरवाजे नहीं खुल सकते जब तक के तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो जाए।